और जो सबसे बड़ा डाउट होता है ना, पेनलेस, नॉन पेनलेस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, तो ये सब एक किनारे रखिए। आपका बेबी स्वस्थ है तो आप कहीं भी जाके लगवाइए। एक चीज और बता दूं, पता है ये बहुत घबराते हैं। बात ये है, थोड़ा सा बेबी रोता है तो बोलेंगे उसको देखो क्या हुआ है, डॉक्टर को फोन करो पूछो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। और गाइस, आज का ब्लॉग भाई रात को करीब 2 बजे शूट हो रहा है, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद भाई इतना ज़्यादा थक गया था मैं ना, सो गया। हुआ ये था ना भाई, सुबह सुबह जल्दी उठे, उसके बाद ऑफिस गया। ऑफिस से आने के बाद फिर हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि बेबी को लगना है वैक्सीनेशन, मतलब टीके जो पहले महीने के लगने हैं। तो हमारा बेबी करीब 1.5 महीने का हो चुका है, तो उसको लगना है टीके। तो जाके पता कर लिया था भाई। तो एक्चुअली क्या था ना कि हम लोग थोड़ा सा मिसगाइड हो रहे थे, मतलब हमको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो प्राइवेट में कराएं या गवर्नमेंट में कराएं। एक्चुअली प्राइवेट में ये मिल जाता, फैसिलिटी मिल जाती है कि आपको पेनलेस वैक्सीनेशन मिल जाते हैं, और गवर्नमेंट में पेनलेस नहीं मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो डॉक्टर से जाके कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि पेनलेस और नॉन पेनलेस में कोई डिफरेंस नहीं होता, पर जो बुखार आता है वो बेबी को थोड़ा सा दर्द कम होता है, बाकी भाई इंजेक्शन है तो लगेगा तो दर्द होगा, चाहे पेनलेस हो चाहे नॉन पेनलेस हो। तो वो मैंने यार डॉट जाके क्लियर किया, और थोड़ा सा मोबाइल मेरा प्रॉब्लम कर रहा था, तो भाई मोबाइल को भी दे दिया रिपेयरिंग करने के लिए। उसके बाद मैं रात को डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए ब्लॉग शूट ही नहीं हो पाया, मतलब पूरा दिन बेकार गया। तो रात को सुबह सो के उठा हूँ, और उसके लिए बेबी के लिए पानी गर्म किया हूँ, और मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर लेते हैं यार, रात को 2 बज रहे तो क्या हुआ, क्योंकि अभी बेबी को 3 बजे ना, बेबी मेरा भी सो रहा है, रात को 3 बजे बेबी को फीड कराना होता है। तो प्रिया भी देखो इधर सो रही है, टुकुर टुकुर देख रही है, मैं बोल रहा हूँ तो उड़ गई हैं, और ये भी सो रही थी। तो हमने सोचा कि भाई तो पानी गर्म कर लेते हैं। और गाइस, कल है संडे, तो हमको जाना है बेबी को वैक्सीनेशन के लिए, और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पेनलेस, नॉन पेनलेस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ये सब। तो आज डॉक्टर से जाकर शाम को मिला, तो उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसा घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं होती है, बस यही होता है जिनके पास टाइम होता है, जिनके पास पैसा होता है वो प्राइवेट में जाते हैं, और पेनलेस, नॉन पेनलेस सिर्फ कहने के लिए होता है, दर्द होगा वैक्सीनेशन में। और बस यही है कि अगर से कुछ लोग होते हैं, बच्चे कमजोर होते हैं, बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो पेनलेस लगवाया जाता है, अगर बच्चे को फीवर है या कोई प्रॉब्लम है। और अगर बच्चा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नॉन पेनलेस भी लगवा सकते हैं। आप मतलब प्राइवेट, गवर्नमेंट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ लगवाना चाहते हैं। सुविधाएं होती है, जैसे आपके घर के पास हॉस्पिटल है, प्राइवेट है तो आप वहां लगवा लीजिए, घर के पास कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहां लगवा लीजिए। तो ये सब सीन था, तो थोड़ा कन्फ्यूजन जो मेरा था उसको दूर हो गया फाइनली। तो गाइस, कल हम लोग जाएंगे अपने बेबी का वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, और कहाँ जाएंगे आप लोगों को ब्लॉग में देखने को जरूर मिल जाएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं यार, ऑन कर लिया अगर थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जब हमारे यूट्यूब फैमिली में लोग जुड़ते हैं, और हमारे 4K सब्सक्राइबर होने में बहुत कम ही मतलब नंबर्स बचे हैं, तो जल्दी जल्दी इसको पूरा कर दीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली में जुड़िए, आप लोग का स्वागत है। और हमारा बेबी अभी सो रहा है भाई, रात को उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और प्रिया को देखो जग गई है, आधी नींद में है आधी जग रही है। गाइज, मेरे को पूरी तरीके से नींद नहीं आ रही, जैसे मेरे को पता लग रहा है ना कि कल जाना है, मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं गवर्नमेंट जाऊँ प्राइवेट जाऊँ तो ठीक है यार, ऑन द वे डिसीजन ले लेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करेंगे कि गवर्नमेंट में लगवा रहे हैं कि प्राइवेट। गाइज, हमने और प्रिया ने डिस्कस किया है, मम्मी के साथ डिस्कस किया है, तो उन्होंने बोला कि जहाँ मर्जी लगे वहाँ करा लो, बस बेबी स्वस्थ होना चाहिए। तो फिलहाल बेबी तो ठीक है, बस ये मेरा मोबाइल थोड़ा सा खराब हो गया है, ब्लॉग नहीं शूट हो पा रहा है। और अभी जब मैं ऑफिस से आने के बाद गया हॉस्पिटल पता करके, आज सुबह मोबाइल दे दिया था बनने के लिए, मोबाइल भी मेरा रात को 11 बजे मिला है, और उसके बाद इतना मतलब गुस्सा, डिप्रेशन था, तो आके सो गया। सो के उठने के बाद हमने सोचा यार ब्लॉग नहीं बना, मतलब प्रॉमिस जो है उसको पूरा करना है, तो फिर उठा हूँ अभी बेबी के लिए पानी गर्म किया हूँ, हम सब ब्लॉग शूट कर लेते हैं, चाहे छोटा ही ब्लॉग हो कोई बात नहीं गाइस। तो ये सब अपडेट देनी थी, और बहुत जल्द मतलब कल तो हम लोग जाने ही वाले हैं, क्योंकि आज सैटरडे, कल जाएंगे हम लोग बेबी को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। और बस जो भी, हाँ जो भी गाइज, जो भी चीजें हम लोग अपने बेबी के लिए करेंगे, मतलब कैसे क्या चीज करेंगे, वो सारी चीजें आपको बता देंगे, ताकि आपके घर में अगर छोटा बेबी होना तो आप आराम से बेबी के साथ। गाइज, पूरा शेड्यूल हम लोग अपना दिखाते हैं, मतलब छोटे बेबी के लिए कैसे कब वैक्सीनेशन लगनी होती है, कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगनी होती है। और जो सबसे बड़ा डाउट होता है ना, पेनलेस, नॉन पेनलेस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, तो ये सब एक किनारे रखिए। आपका बेबी स्वस्थ है तो आप कहीं भी जाके लगवाइए, बेबी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है कि नहीं टीका लगना जरूरी है, मतलब वैक्सीन लगना जरूरी है, और उसको प्रॉब्लम ना हो, तो आप प्राइवेट में जाके पेन, नॉन पेनलेस लगवा लीजिए, पेनलेस पेनलेस लगवा, नहीं पेनलेस नहीं लगवानी, नॉन पेनलेस, ताकि दर्द ना हो।
नॉन पेनलेस मतलब कि दर्द पेन होगा। होगा, अच्छा तो पेनलेस गाइस ये मतलब होता है, इनको नहीं ज्यादा होगा। मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है। यही सब कंफ्यूजन था गाइस जो अब मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना, यही सब कंफ्यूजन होता है जब कोई नया नया मम्मी पापा बनते हैं, तो इसलिए मैं साथ जाके डिस्कस कर लिया हूँ। और मैं एक चीज और बता दूं, पता है ये बहुत घबराते हैं, बात ये है थोड़ा सा बेबी रोता है तो बोलेंगे उसको देखो क्या हुआ है, डॉक्टर को फोन करो पूछो। गाइस मेरे जो जुबान लड़खड़ा रही ना इसीलिए, क्योंकि कल बेबी को लेकर जाना है हॉस्पिटल और मुझे खुद लगवानी है बेबी को, तो थोड़ा सा इसलिए डर रहा था। तो मैंने सोचा सब जगह पता कर लेते हैं कैसे क्या होना है, फिर जाके लगवाएंगे। और बस इसी बात का थोड़ा डर था, थोड़ा सा डिप्रेशन था, मोबाइल भी खराब हो गया, मतलब क्या क्या बताऊँ, क्या क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा बस। हाँ ये चीज तो है गाइस, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है, अभी एक फोन बन गया फिर वो फोन खराब हो गया, और मैंने भी दोपहर में ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बेबी आज थोड़ा सा क्रैंकी हो रही थी, मतलब बहुत शी भी बहुत चिड़चिड़ा के रो रही थी, हाँ। तो उसको चुप करा के सुलाया उलाया भाई। तो ठीक है गाइस आज का ब्लॉग यही रखते हैं, और कल हम लोग जाएंगे बेबी को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, फिर आपको जैसा भी अपडेट हो आप लोगों को देखने को जरूर मिल जाएगा। तो तब तक के लिए गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हाँ सब्सक्राइब गाइस कर दीजिए। देखो रात को 2 बजे से उठ के सो रही थी गाइस, हाँ हमने बोला ब्लॉग शूट कर लो अपने मोबाइल से शूट कर लो, तो बोली नहीं मेरा तबीयत नहीं ठीक है, बेबी को मतलब बार बार होता है तो बेबी को सुलाना है ये कराना, हमने कोई बात नहीं तुम सो जाओ। मैं करीब सोया हूँ 11:30 बजे और भी 2:15 हो रहे हैं, तो हमने सोचा ब्लॉग शूट कर लेता हूँ यार, और अब चलना फिर सोने का इस, क्योंकि 3 बजे बेबी फिर उठ जाएगा तो 15-20 मिनट की नींद मिल जाएगी, सुबह बेबी को फीड करा के फिर सोएंगे, फिर सुबह उठ के भाई वही वाला कल वाले काम ऑफिस जाना तो ऐसे ही कुछ लाइफ चल रही है गाइस। तो बस कमेंट करके बताइए भाई जो मैंने बोला वो सही है क्या, मतलब कि गवर्नमेंट जाना है कि गवर्नमेंट प्राइवेट की साइड जाए। नहीं ये तो अब गाइस अभी तो गाइस क्या ना, अभी हम प्रिया भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ के लिए, बाकी मम्मी पापा से डिस्कस हो गया, डॉक्टर से डिस्कस हो गया, तो अब बेबी तो मेरा ठीक है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग फिलहाल यही है कि हम लोग नॉन पेनलेस लगवाएंगे ना, हाँ जबकि दर्द हो हल्का सा फीवर आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे बेबी को फीवर नहीं आता है तो दोबारा वैक्सीन लगती है, तो मतलब कभी कभी चांसेस होते हैं इस चीज़ के कि अगर वैक्सीन नहीं लगती दोबारा लगते हैं, वैसे 90% चांसेस होते हैं कि नहीं लगते हैं। पता नहीं गाइस अभी हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और अब हम लोग कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे हम लोगों को ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आज के ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, बहुत नींद आ रही है मुझे तो गाइस ठीक है आज के ब्लॉग तो ठीक है, फिर मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो प्यार बढ़ते रहो, बाय।